salmón. अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज आप लोगों के साथ फार्मिंग के हवाले से एक वीडियो शेयर करने लगा हूं, जिसने गोट फार्मिंग और शिप फार्मिंग के अंदर एक नए जिद्दत को जन्म दिया है। इस मशीन को एनिमल वेस्टेज क्लीनिंग मशीन, एनिमल वेस्टेज क्लीनिंग पैड और एनिमल मोकिंग इक्विपमेंट का नाम दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी फिलहाल चाइना में इस्तेमाल हो रही है। मैंने सर्च किया, मुझे ये टेक्नोलॉजी अभी किसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आई है। चाइना में इस मशीन के तकरीबन 3 से 4 मॉडल इस वक्त यूज हो रहे हैं। फुली ऑटोमेटिक जो मोस्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन एक सेमी ऑटोमेटिक भी है, वो भी यूज कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों किस्म के मॉडल्स, उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा और उनकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो किस तरह काम करते हैं और क्या बेनिफिट है। इस मशीन ने काफी हद तक जो फार्मिंग है वो आसान कर दी है। मोस्टली अगर आप बड़े फार्मर हैं और आपके फार्म के ऊपर सैकड़ों की तादाद में जानवर हैं, तो ये मशीन आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अब मोस्टली फार्मर जो है वो एलिवेटेड शेड या कंट्रोल शेड की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। और एलिवेटेड शेड के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो जानवरों की वेस्टेज का मसला था, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर स्टोरेज हो जाता था, जिसको फिर डिस्पैच करना काफी मुश्किल था। लेकिन इस मशीन के इंस्टॉल से फार्मर्स के मसले काफी हद तक जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। चलिए आपको मशीन की वीडियोस की तरफ लेके चलते हैं और आपके साथ डिटेल्स उसकी शेयर करते हैं। ये आपके सामने एक शेड की वीडियो है, एलिवेटेड शेड है, जिसके नीचे फिर जो क्लीनिंग पैड है, वेस्टेज क्लीनिंग पैड, उसको इंस्टॉल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको मोटर की मदद से चलाया जाता है और जितना भी वेस्टेज होता है वो सब इस पैड के थ्रू बाहर चला जाता है। ये आपको एक दूसरा मॉडल दिखाता हूँ, ये देखेंगे जितना भी वेस्टेज है वो सारा बाहर आ रहा है और इसके आगे एक गार्ड लगा हुआ है और वो वेस्टेज उससे टकराता है और नीचे गिर जाता है। और ये इसके लिए बहुत आसानी है, इसने साथ ही जो जानवर हैं उनके लिए चारा वगैरह लगा रखा है और ये वेस्टेज सब कुछ अपने खेतों के अंदर एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर देते हैं। ये अब दूसरी साइड ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये जी दूसरा पैड चलना स्टार्ट हो गया, अब जितना भी वेस्टेज है अब वो भी सारा बाहर आ जाएगा। अब ये सब कुछ वेस्टेज जो है फार्म से बाहर आ जाएगा, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि अमोनिया गैसेस और दूसरी गैसेस जो जानवरों के लिए हार्मफुल हैं वो पैदा नहीं होंगी। अब आपको क्लीनिंग पैड दिखाते हैं कि जानवरों का पेशाब वगैरह अगर आपने अपना एलिवेटेड शेड को धोना हो, जब आप उसका वेस्टेज क्लीन करके, तो ये भी बड़े आसानी के साथ आप धो सकते हैं। और सारा पानी जो है वो इनका एक कैबिन बना हुआ है, उस कैबिन के अंदर जमा हो जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया धुलने के बाद, जितने भी वेस्टेज है वो सब जो है इनके उस ऑटोमेटिक कैबिन के अंदर आ जाएगी और वहाँ से फिर ये उसको डिस्पैच कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस पैड को डबल स्टोरी पैड कहते हैं। इसके अंदर एक वेस्टेज क्लीनर पैड है और दूसरा डिस्पैचर पैड है,
और ये मोटर की मदद से चलता है। ये जो ग्रीन वाला है ये डिस्पैचर है, और ये जितना भी आपका वेस्टेज है ये बाहर ले जाएगा। बाहर आप मैन्युअली तौर पे भी इसको डिस्पैच कर सकते हैं, अगर कोई ट्रॉली है या कोई ट्रक है उसके अंदर भी ये सारा मटेरियल जो है आप फिल करके इसको डिस्पैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डबल स्टोरी है, ऊपर से सारा मटेरियल जो वेस्टेज है वो जो इसका पैड है जिसको रोस्टर कहते हैं ये उस रोस्टर के ऊपर गिर रहा है, और रोस्टर यूप लेके बाहर चला जाता है सारा। ये आपके साथ एक और मैं शेयर कर रहा हूँ, ये शेड भी रोटेटिंग शेड है, और जो इसके साथ पैड हैं वो भी रोटेटिंग पैड हैं, क्लीनिंग पैड हैं। ये आप देख सकते हैं शेड भी मूव करता है, शेड को भी पुली लगा के मोटर की मदद से रोटेट करते हैं, और जो पैड है डबल पैड है ये भी, इसको भी डबल स्टोरी पैड कहते हैं। जितना भी वेस्टेज है ये लेके आ जाता है क्लीनिंग पैड के ऊपर, और वो क्लीनिंग पैड इसको बाहर डिस्पैच कर देता है सारा। जी जनाब, ये वीडियो थी, ये टेक्नोलॉजी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ये गोट फार्मिंग के अंदर एक जिद्दत की तरफ कदम है। बहुत सारे जो हैं मामलात इससे आसान हो जाएंगे, जो भी बड़े गोट फार्मर हैं उनके लिए ये स्पेशली किसी शाकार से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमेशा एक मसला बना रहता है लेबर का, उनको लेबर नहीं इतनी मयसर होती, लेकिन ये जो है काफ़ी हद तक उनकी मदद कर सकता है। अगर इस मशीन को, इस प्रोसीजर को सम अप करें, हम 4 से 5 चीज़ों में सम अप कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसका रोटेटिंग पैड है जिसको क्लीनिंग पैड कहते हैं, फिर उसके बाद इसका डिस्पैचिंग पैड है, उसके बाद इसकी मोटर है, पुली है, और आखिरी नंबर पे इसकी वो ट्रांसपोर्टेशन है जो आपने फाइनल इसको डिस्पैच करना है। ये कोई आपका ट्रक भी हो सकता है, या अपने फार्म के ऊपर आपका रक्षा चिंची कुछ भी हो सकता है जिसकी मदद से आप इसको डिस्पैच कर सकते हैं। और आई थिंक ये काफ़ी हद तक यूजफुल है फार्मर्स के लिए, अब उनकी काफ़ी मुश्किलात जो आसान हो जाएंगी, जो ऑलरेडी एलिवेटेड शेड के ऊपर हैं उनका ये मसला काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।